करते हैं एंटीरियर सप्लाई ऑफ रेक्टम, इट इज़ थ्रू सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, राइट लेफ्ट मिडल रेक्टल आर्टरी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, रेक्टम से रेक्टम। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, ये ब्रांच देती है रेक्टल वेजाइनल, तो उसमें से एक होती है मिडल रेक्टल आर्टरी। उसके बाद इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है, ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच है। मेनली सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर है। जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है, ठीक है। मिडल रेक्टल जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद करते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज जो है उसी तरह जैसे आर्टरीज हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन ये पोर्टल वीनस सिस्टम में ड्रेन करती है, मिडल और इन्फीरियर सिस्टेमिक सिस्टम में ड्रेन करती हैं। अब इन दोनों पोर्टल और सिस्टेमिक वेन्स में क्या होता है, एनास्टोमोसिस होते हैं, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। अभी रेक्टम है, रेक्टम इज कवर्ड बाय सब म्यूकोजल वीनस प्लेक्सिस। अब वीनस प्लेक्सिस जो है इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। उसके बाद करते हैं इनोवेशन ऑफ रेक्टम। इनोवेशन इज थ्रू सिम्थैटिक एंड पैरासिम्थैटिक, ठीक है। सिम्थैटिक पहले देखते हैं, ये सिम्थैटिक है, ठीक है, ये पैरासिम्थैटिक। सिम्थैटिक इज फ्रॉम लंबर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। फ्रॉम लंबर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इसके अलावा सिम्थैटिक में पहली आर्टीरियल प्लेक्सिस ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आ जाती है, ठीक है, ये दोनों। और ये पैरासिम्थैटिक इज फ्रॉम पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व्स थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, पैरासिम्थैटिक इज थ्रू S2-S4 स्पाइनल कॉर्ड लेवल, ठीक है, थ्रू पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व एंड राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। पैरासिम्थैटिक इज फ्रॉम S2-S4 स्पाइनल कॉर्ड लेवल थ्रू पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व, ठीक है, एंड राइट एंड लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। इसके बाद प्रोटोस्कोप क्या होता है, रेक्टम और एनल कैनाल को जो अंदर एग्जामिन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं प्रोटोस्कोप।